मंडी के डिप्टी कमिश्नर ऋग्वेद ठाकुर ने किरतपुर निरचेक मनाली फोर लोन परियोजना प्रभावित की शिकायतों को सुनने के लिए डीआरडी सभागृह में जनता का दरबार लगाया। करीब 5 घंटे तक चलने वाली इस बैठक में करीब 161 लोगों की समस्याओं को सुना गया। इसके अलावा इस बैठक में अलग अलग समितियों के साथ पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों के लोगों की समस्याएं रखी। कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि एसडीएम अपने अपने क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों के साथ हफ्ते भर में प्रभावित स्थलों पर जाएं और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपें। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की बैठकें की जाएंगी। हमारे पास फोर लेन का कार्य चला हुआ है पूरे जिले में। कुछ लोगों की समस्या हमारे पास समय समय पर आती रहती है। लोग मिलने आते हैं ऑफिस में, कुछ एसडीएम स्तर पे भी लोग मिलते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। हमने देखा कि कुछ लोग ऑफिस में एक दो बार उनको आने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि एक बार जब वो शिकायत दे रहे तो उसका समाधान नहीं हो पा रहा। जो समाधान होना है वो या तो NHAI की तरफ से होना है या तो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर की तरफ से होना है। तो आज हमने सोचा कि हम सभी को जितनी भी शिकायतें हमारे पास आई है उन सब लोगों को यहाँ पर बुलाएँ और NHAI और LAO के अधिकारी भी हमारे पास यहाँ पर आए और सामने बैठकर जो भी समस्या है उनके बारे में चर्चा की जाए कि कहाँ पर मैटर पेंडिंग है और क्यों लोगों को जो है राहत नहीं है। उस दृष्टि से हमने ये सोचा कि आज की बैठक ऑर्गेनाइज की जाए। उसमें कुल मिला के हमारे पास लगभग 150 के करीब मामले आज हमने चर्चा की और जहाँ तो एक्शन हुआ था वो लोगों को अवगत करा दिया कि ये एक्शन हो चुका है, जिसमें हो सकता है जो हमारे बस की बात है जो यहाँ पर हो सकता है जिला स्तर पे वो हमने करके लोगों को बता दिया। जहाँ एक्शन पेंडिंग था वहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश हमारे सभी SDM साहिबान को LAO को PD NHAI को दे दिए हैं कि वो समय पर उनके लिए समय सीमा तय की है कि 7 दिन 15 दिन अलग अलग विषय के लिए उस समय तक जहाँ पर जाए लोगों से बात वहाँ पर मिले और मौके की रिपोर्ट और अपनी सिफारिश के साथ हमें भेजे ताकि लोगों को जो राहत प्रोवाइड करनी है वो हम समय पर कर पाए। तो बड़ी अच्छी बैठक हुई सबके साथ मिलजुल कर और काफ़ी विषय जो हमारे ध्यान में आए कि जहाँ पर कि रिस्पॉन्स नहीं हो पाया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बैठक के बाद जितनी भी फोर लेन से संबंधित हमारे जो गरीब लोगों की समस्या है उसका समाधान हो पाएगा, जो हमसे हो जाएगा वो यहाँ पर समाधान हो पाएगा। जिसके लिए कोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी वो उनको फिर उस हिसाब से जानकारी दी जाएगी ताकि वो भी अपना न्याय के लिए या अपनी जो राहत के लिए वो उसमें कर सकें। हमारी तरफ से इस बैठक के माध्यम से एक दिशा मिलेगी इस पूरे जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है फोर लेन से संबंधित इश्यूज़ का उसके लिए और आने वाले दिनों में इसकी फॉलोअप बैठक भी हम करेंगे ताकि हम इंश्योर करा पाए कि जितने भी हमने फैसले आज लिए हैं उसका जो समय पर उसका अनुपालन किया गया। सर 100 से ज़्यादा मामले आपने बताया तो ज़्यादातर मतलब कौन से इश्यूज़ हैं जो ज़्यादातर जिनके ज़्यादा मामले जो है आपके पास है? अधिकतर मामले जो मैंने देखे दो प्रकार के ही मामले हैं। एक तो है कि जहाँ पर लैंड एक्विजिशन हो चुकी है या तो उसके अगल बगल की कोई ज़मीन है वो या तो अक्वायर नहीं हुई है या तो जिसकी ज़मीन अक्वायर हुई है वहाँ पर मुआवजा कम दिया गया है या कुछ असेसमेंट की दिक्कत है। इस तरह के एक प्रकार के ये मामले हैं। दूसरे प्रकार के मामले हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क से जो कटिंग होती है उससे जो राइट ऑफ वे है ROW जिसको कहते हैं उसके बाहर का जितनी भी भूमि है वहाँ पर डैमेज होता है, चाहे वो जल स्रोत हो, चाहे किसी मकान हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे आपने कोई फल के पौधे लगे हो। इस तरह की जो ROW के बाहर है कटिंग की वजह से या फोर लेन के कार्य की वजह से वहाँ पर डैमेज आते हैं। तो उन लोगों को
उसमें लीगली जैसे इनका प्रावधान भी नहीं है कि उसका या तो मुआवजा दिया जाए, उनको लैंड एक्वायर की जाए, इसके लिए इस तरह की शिकायतें या दूसरी प्रकार की शिकायतें हमारे पास आती हैं। तो हमारा प्रयास है कि जहाँ पर शिकायत जेन्यून पाई जाती है और लोगों को सच में मुश्किल है, वहाँ पर कोई ना कोई राहत का प्रावधान उनके लिए किया जाए। पूरे 5 घंटे चलने वाले इस बैठक में सभी लोगों की शिकायतें पड़ी गई। लोगों ने भी खुले दरबार में दिल खोलकर अपनी बातें रखी, जिनमें मुआवजा ना मिल पाना, संपत्ति का ठीक ढंग से आकलन नहीं हो पाना जैसी समस्याएं रखी गई। इसके साथ हाईवे के काम से लैंडस्लाइड में मकान धस जाने के खतरे से मुआवजे की भी मांग की गई। News Desk.